दोस्तों नमस्कार, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। यू आर वेलकम इन माय चैनल कानोडिया आयुर्वेद। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं हर रोज आपको स्वस्थ रखने की कामना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हर कोई मेरा पूरे संसार में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आनंदित रहें। इसी से संबंधित आज का हमारा विषय है, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम बीमार ना पड़ें, कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर ना घुस पाए। दोस्तों ये संभव है, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो दोस्तों आप जीवन में कभी बीमारी आपको पास नज़दीक नहीं आएगी और आप पूरी तरह से पूरी उम्र भर स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए सही खान पान, सही विचार, सही रहन सहन, इसके लिए कई चीज़ें आधारित होती हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए। दोस्तों हम विचार करते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत चर्चाएं करते हैं, गलत संगत में रहते हैं, गलत बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं रोज़ाना, किसी की चुगली चाटा करते हैं, बुराई में लगे रहते हैं, किसी का ये हो जाए, उसका ये हो जाए, मेरा ये नहीं हो रहा, अपने आप को कोसते रहते हैं, हमने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, वो आदमी जीवन में तरक्की कर रहा है, उसका नाम हो रहा है, उसके पास पैसे बहुत हैं, हम गरीब रह गए। अगर ये सब बातें आप सोचते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं। दोस्तों आप भी करोड़पति बन सकते हैं, आप भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इस परमात्मा ने किसी को भी गरीब बनाकर नहीं भेजा है, ये दोस्तों हम जानकारी हमें नहीं है इसलिए हम गरीब बने हुए हैं। बाकी दोस्तों परमात्मा सबको करोड़पति बनाकर भेजा है, हर एक इंसान को कुछ न कुछ स्पेशल चीज़ उसको दे करके भेजा है और वो उस क्षेत्र में जा कर के अपना नाम कमा सकता है और वो करोड़पति बन सकता है, वो जीवन भर पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। लेकिन हमें उसकी जानकारी के अभाव में हम उसको कर नहीं पाते, जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मैंने मेरे इस चैनल में हर तरह की जानकारी के वीडियो डाले हुए हैं, आप जीवन में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे ऊंचे हाई लेवल की किसी एजुकेशन में जाएगा, या वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या क्या वो उसके जीवन में किस क्षेत्र में उसका सफलताएं हैं, ये सभी वीडियो मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं। और उन वीडियो को देख करके आप अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को सफल बना सकते हैं। आपके इन चीज़ों को कोई रोकने की दुनिया में कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। और आप 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरे इन वीडियो को देख करके अपने जीवन शैली को अपनाएंगे तो आप भी करोड़पति बनेंगे, आप भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों आज हमारा विषय है हम स्वस्थ कैसे रहें। दोस्तों हम जैसा खाते हैं आजकल आपको खान पान में दिखाई दे रहा है, बहुत चीज़ें मिलावटी खा रहे हैं, बहुत चीज़ें हम जहर खा रहे हैं, हर चीज़ में आपको कुछ न कुछ मिलावट के रूप में जहर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है, हम पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोच रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, इसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हम बीमार होते हैं। इसका सीधा हमारा असर जो हमारे चक्र होते हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं, परमात्मा ने हमें इनको, हम मेडिकल की भाषा में ग्लैंड बोलते हैं,
और योग की भाषा में या आम भाषा में हम इनको चक्र बोलते हैं। ये 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होते हैं और नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी लास्ट में यहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होकर के और यहाँ सर के ऊपर तक इसमें 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों को हम अगर इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ये काम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं तो उससे संबंधित हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। दोस्तों जिस भी चक्कर कोई खराब होगा उसी से संबंधित कोई ना कोई बीमारी आएगी। दोस्तों ये 7 चक्र है हमारा सबसे लास्ट में जहां हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहां ये रूट चक्र होता है मूलाधार चक्र होता है। उसके ऊपर नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र होता है सैक्रल चक्र बोलते हैं। फिर नाभि से 2 उंगल ऊपर ये मणिपुर चक्र होता है इसको सैक्रल चक्र बोलते हैं। फिर यहाँ हमारे छाती के बीच में हार्ट चक्र होता है हृदय चक्र बोलते हैं और यह हमारा ये गले के यहाँ यहाँ थ्रोट चक्र होता है और 6ठा चक्र ये होता है यहाँ हमारा ये 3rd आई चक्र होता है। इन सभी चक्रों में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है नेगेटिव एनर्जी से ये तो हमारा वो चक्र खराब होगा और उस चक्र से संबंधित हमें बीमारी आ जाएंगी। दोस्तों हम इन चक्रों को एक्टिवेट कैसे रखें इनको चार्ज कैसे करें ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी इसमें आ ना सके और नेगेटिव एनर्जी इनमें आ चुकी है तो इसको हम बगैर किसी तकनीक के या कोई और विद्या के हम इनको क्लींज कैसे करें एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। आप इस तरीके को यूज करके आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं उनको क्लींज कर सकते हैं और आप पूरी उम्र भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों शुरू से और आखिरी तक के हम एक एक चक्र को लेते हैं। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र को लेते हैं। आपको क्या करना है आपको सुबह शाम खाली पेट आपको सीधे बैठ जाना है चेयर पर बैठे फर्श पर बैठे किसी चीज़ पे बैठेंगे आप अपनी कमर को सीधी रखेंगे और आँख बंद करेंगे और पूरे शांत वातावरण से शांत मन से आपको ये बीज मंत्र में बताता हूँ इन चक्रों को एक्टिवेट करने के इनको क्लींज करने के लिए इन चक्रों का आप उच्चारण करेंगे तो इनकी वाइब्रेशन से वो नेगेटिव एनर्जी उस चक्र की रिमूव होगी और वो चक्र एक्टिवेट हो जाएगा चार्ज हो जाएगा और आपके उससे संबंधित वो बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों कम से कम आप 108 बार एक मंत्र को उच्चारण करना है और हर रोज़ उनको सुबह शाम उनको ये सारे मंत्र जो मैं बताऊंगा आपको हर चक्र का मंत्र अलग है और इन चक्रों का मंत्रों को आप इनके बीज मंत्रों को उच्चारण करेंगे तो आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और पूरी तरह से क्लींज हो जाएंगे। आपको क्या करना है सबसे पहले हम नीचे से रूट चक्र को लेते हैं मूलाधार चक्र लेते हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम को आप कैसे उच्चारण करेंगे लम दोस्तों आपको
आपको पूरा सांस भर के इस लम जैसे मैंने आपको बोल करके सुनाया है ऐसे इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे तो आपका एक महीने में ये रूट चक्र आपका क्लेंज हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह अब दूसरा चक्र ऊपर आता है मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्टान चक्र सैक्रल चक्र जिसको बोलते हैं ये नाभि से 2 इंच नीचे है। इसका मंत्र है वह तो आप इसको कैसे बोलना है व इस तरह वम वम के इस भाषा में आपको ये वै का मंत्र आपको लंबा सांस लेकर के बोलना है। उसके बाद में नाभि से ऊपर का जो चक्र है इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं अंग्रेजी में इसको सैक्रल चक्र सोलर फ्लेक्सिस चक्र बोलते हैं। इससे नाभि से ये 2 इंच ऊपर है ये मणिपुर चक्र और इसको एक्टिवेट के करने के लिए रे मूलाधार चक्र का लम स्वादिष्टान चक्र का वम और अब ये रम ये तीसरा चक्र हमारा नाभि से ऊपर है रम इस तरह आपको पूरा लंबा सांस भर के लंबा बोलना है। अब उसके बाद में ये हमारा हार्ट चक्र है ये यम यम इस तरह इस हार्ट चक्र को आपको मंत्र उच्चारण करना है। उसके बाद में ये हमारा थ्रोट चक्र है लम वम रम यम अब ये हम इसको हम हम इस तरह और छठा चक्र है हमारा ये थर्ड आई चक्र इसका मंत्र है ओम तो दोस्तों इस तरह है हमारा ये हमारे यहाँ तक थर्ड आई चक्र 6 चक्र हमारे इस तरह से हम इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं इन चक्रों को क्लेंज शुद्ध कर सकते हैं। आप सीधा बैठ जाएं कमर सीधी करके और इन अगर आप ये मुद्रा अगर आप ऐसे बना सकते हैं तो ये मुद्रा इस तरह से आप ये मुद्रा बनाएं और इस 3 उंगलियां ये सीधी रखें इन तीनों को और इस तरह से वो मुद्रा बना करके आप सीधे यहाँ ऐसे बैठ जाएं आंखें बंद करें और पूरा लंबा सांस भर करके जैसे मूलाधार चक्र से शुरुआत करके ऊपर तक बढ़ते जाएं और इन मंत्रों का आप लंबा जैसे ला
पूरा जब तक पूरा सांस खाली कर दे पूरी तरह से, पूरी का पूरा सांस, थोड़ा बहुत भी सांस ना बचने पाए, पूरा खाली करना है। इस तरह आप इसका इन बीज मंत्रों को उच्चारण करेंगे तो दोस्तों आपके एक महीना डेढ़ महीना में आपका, अगर ये 108 बार एक मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और आपको शरीर में कोई बीमारी है वो धीरे धीरे बीमारी वो ख़त्म होती जाएगी और आप स्वस्थ होंगे। और आप स्वस्थ हैं तो इन चक्रों को चार्ज हो जाएंगे, जो कोई भी बीमारी को आने से आपको ये रोक पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने स्वस्थ रहने के मानसिक रोगों के लिए अलग से वीडियो डाले हुए हैं, और भी कई वीडियो हैं जो आप दूसरे तरीक़ों से हम इस चक्रों को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे एक नंबर का जो माध्यम है वह है रेकी। रेकी सीख करके आप अपने आप को जीवन भर के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। पूरी तरह से रेकी गारंटी होती है, एक किस्म से आपका पूरे सारी उम्र आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, आपके पास कोई बीमारी कोई वायरस इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी चलती रहेगी 24 घंटा, जो कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है उसको पूरी तरह से और एक ही ख़त्म कर देती है और आप जीवन भर सुरक्षित रहते हैं। तो उसके लिए अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं तो हम आपको हिप्नोथेरेपी सिखा सकते हैं, और भी आपको कई प्रकार की मैं साधनाएं सिखाता हूं, त्राटक विद्या होती है और मेडिटेशन की भी एक अलग से हमारे पास विद्या है। मेडिटेशन में जाकर के आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य शक्तियों से जुड़ सकते हैं और आप चमत्कारी के उनके फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि इन वीडियो को देख करके वो भी इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति का और जीवन में कैसे रहन सहन का ये फ़ायदा उठा सकें और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें और समाज में आप भी भलाई के भागीदार बन सकें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।